अल्लाह को बताने क्या मंजूर था, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। जब पहले रखा फंक्शन, तो मेरा भाई की डेथ हो गई, उसकी वजह से मुंतरी करना पड़ गया। आज का टाइम रखा 2 बजे का, तो डिप्टी कमिश्नर शालकोट जो बड़े मेहमान है मेरे भाइयों के, साथियों के, उनसे बड़ा कीजत है आप लोगों के साथ, तो उन्होंने ख्वाहिश थी कि वो इस फंक्शन में जरूर आए। उनकी ख्वाहिश को पूरी करते हुए उनकी 3:30 बजे पंजाब असम्बली में क्वेश्चन था दसरा इलेक्शन का। उन्होंने मुझे कल रिक्वेस्ट की कि बी के ब्रदर इसको आप मेहरबानी फरमाए 11 बजे के रखें। 11 बजे रखा तो 9:30 बजे चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग बुला ली, क्योंकि आप लोग देख रहे हो हमारे वो दस्का में रेपिडली काम हो रहा है और उसके लिए ना इंतजामी मामला बड़े उलझे हुए हैं। तो इस सिस्टम में आज आप लोगों ने पिछले 3-4 घंटे से मुसलसल बैठे हुए हैं, तो आप लोग हमेशा मुझसे, मेरे ग्रुप से, मेरे साथियों से प्यार करते हैं, और इसीलिए मैं एक दफा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ साथ मैं आज इस स्टेज पे एमसी के मेहमान, जरा मेहरबानी करें मेरी तरफ तवज्जो दें, रोटी बाद में खा लीजिएगा। आज इस स्टेज से अपने पूरे पैनल को मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह ताला ने आप लोगों पे एक और जिम्मेदारी डाली है। जिस तरह माजी में थे आप लोगों को अल्लाह ताला इज्जत देते रहा, इस तरह फिर आप लोगों को अल्लाह ने इज्जत दी है। मैं भी एज ए वर्कर आप लोगों के साथ हूँ, अब मैं भी एक कारकुन की तरह मार्टन के आप लोगों के साथ हूँ। इस दफा हमने नया टाउन बनाना है, इसको खुद मुख्तार करना है इंशाल्लाह। दोनों फेसेस को, फेज 1 को भी, फेज 2 को भी, हमने इसको अपनी मदद आपके तहत हर हाल में खुद मुख्तार बनाना है। इतने वसायल देने हैं कि ताकि हम इसको अपने वसायल के साथ इसकी तरक्की कर सकें, इसकी सड़कें बना सकें, इसके पार्कों को ठीक कर सकें, कम्युनिटी हॉल बना सकें, मार्केटिंग बना सकें, दोनों में। तो इंशाल्लाह आप लोगों की दिए हुए तमाम मेहमान मेरे सामने बैठे हैं, मेरी फैमिली है, वी आर फैमिली। हमने एक स्लोगन दिया पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, वी आर फैमिली। उसी वी आर फैमिली की आप बयारी के लिए, उसके साथ आप पंजाब में भी देखते हो, सियालकोट में भी देखते हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी देखते हो, हम वी आर फैमिली। हम एक फैमिली की तरह हैं, हमारे दुख दर्द तक की हम लोग सांझ एक है, हमारी इज्जतें, हमारी नफरतें इकट्ठी हैं। हमने हर हाल में वो जो शरारती तोड़ा मेरे पीछे भी 15-20 साल से पड़ा हुआ है, और आज मैं स्टेज से लाल करता हूं, उन्हें बाज नहीं आना, उनका मकसद सिर्फ आप लोगों की तरक्की में रुकावट डालना है, आप लोगों के लिए रुकावटें खड़ी करनी है। पर मैं अल्लाह की दी हुई ताकत से आपको यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह ताला आप लोगों का हमी नसर होगा। आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरे एक एक मेंबर की आप लोगों ने खिदमत करनी है, जाती हैसियत से भी, इतमाही हैसियत से भी, और मैं आप लोग इस स्टेज से वादा करूंगा कि अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से कोई रुकावट आप लोगों के दरमियान में नहीं आएगी, ना पहले आई है, ना इस इलेक्शन में आप लोगों ने देखा क्या क्या गुण खिलाते रहे हैं। शर्म आनी चाहिए लोगों को, और मैं उनको शर्म आनी चाहिए इस स्टेज से, इन अल्लाह ने इज्जत दी है। जब अल्लाह इज्जत देता है तो फालतू वो करता है। मैं अपने साथियों को कहता था, ये जो आप ड्यूटी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हो, ये देखते छोड़े इनको, अल्लाह पे कामल यकीन रखो, अल्लाह ने इज्जत दी है, उसी ने हिफाजत करनी है। आज देखो ये फंक्शन क्यों जाया गया है, सिर्फ इसलिए एक मैसेज है कि वी आर फैमिली। हमने अपनी खुशी भी इकट्ठी सेलिब्रेट करनी है, अपनी मौतों को भी इकट्ठा सेलिब्रेट करना है, अपने दुख दर्द को भी इकट्ठा करना है। तो इंशाल्लाह कभी भी किसी शरारती टोले से आप लोगों ने डर के अपने काम में रुकावट नहीं डालने देनी, ना डालनी है। इस दफा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिदमत करनी है हमने। पसूर रोड में बिजली का मसला है, पसूर रोड में गैस का मसला है, इंशाल्लाह बड़े जल्दी आप लोग देखोगे अल्लाह के करम से जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी।
उपयोगी में जो सड़कें रहती हैं जो कम रुका हुआ था, आज अर्थ के बाद मेरी एमसी से गुजारिश है कि अल्लाह का नाम लेके अल्लाह की जीत आते हैं। अल्लाह ताला जब नीयतें कर रहे तो अल्लाह वसाइल भी बना देता है, तो इंशाल्लाह वसाइल भी देगा। हमने जो रोड रहती है वो भी शुरू करनी है, हमने सिक्योरिटी का सिस्टम जो खराब हुआ वो भी ठीक करना है, क्योंकि जो मेरा बेटा कह रहा था जो दुख आपको है वो ही हमें है, हम भी इधर के रहसी हैं, ये मेरी औलाद इधर ही पैदा हुई है। मुझे मैंने सर जमीन को धरती माँ की तरह प्यार किया हुआ है, और आप लोग गवाह हो कि दुनिया की जितनी मुसीबतें जितनी कवातें जितने केसेस जितने जेलें मैंने इस टाउन के लिए देखी हुई हैं, आप लोग गवाह हो। मुझे ना मेरे इरादे को कमजोर कर सकता है ना मेरे अजम को कोई बंदा कमजोर कर सकता है। अल्लाह ने मुझे इतना चट्टान की तरह बनाया हुआ है, मेरे साथी खुद परेशान है मुझ पर। ये साधे साधो कहीं जो हाजिर बैठे रहते हैं शमर साहब कहते हैं यह क्या मुजाब है, मैं क्या मत घबराया करो इन बातों से। अल्लाह ने हमें बहुत कर्म किया, हम पे हमें हिम्मत दी है, ताकत दी है, हौसला दिया है। 33 साल की सामने आप लोगों में बैठा हूँ, सामने खड़ा हूँ आप लोगों के स्टेज पे, हर साल हर महीने आप लोगों के सामने बात करता हूँ, सामने खुद साफी कम भी मेरे सामने है, हर चीज आप लोगों के सामने, मेरा मरना जीना मेरे कपड़े मेरी गाड़ियाँ सब आपके सामने है। अब वो बयानियां अब वो झूठ की पॉलिटिक्स नफरत की पॉलिटिक्स को अब खत्म करना है, शरारतबाजी को हमने हर हाल में खत्म करना है। जे से सुन ले, अगर किसी बंदे ने मेरे मिम्बरान मेरे रिहायशियों की रुकावट डाली किसी अच्छे काम में तो इंशाल्लाह वो होगा मैं होगा। मैंने इस स्टेज से इरादा करना है आज किया है, कोई चीज आप लोगों की रुकावट में नहीं आने दूंगा, सिर्फ आप लोगों की तरक्की चाहिए, आप लोगों की इज्जत चाहिए, आप लोगों की खुशहाली चाहिए, आप लोगों को सुकून चाहिए। तो ये आप मेरी धरती माँ हैं, मैं मेरी नस्ल मेरे सामने खड़ी है, मेरे साथ खड़ी है, मेरे साथी मेरे सामने, हम इंशाल्लाह इस स्टेज से अहद करते हैं कि हर ख्वाब में आप लोगों की तरक्की के लिए, आपकी खुशहाली के लिए, आप लोगों की इज्जत नफ्स के लिए, आप लोगों के नाम के लिए, हम मैं मेरी नस्ल मेरे साथी हर शहर करवा रहे हैं आप लोग। तो थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ा माजर चाहता हूँ, आज जो मेरा खाने पकाने वाला है वो बीमार हो गया था, उसको मैं शायद लिखी पड़ गई थी, उसको मैंने कहा था 1 बजे खाना देना है, और उसके बीमार हो गया, और मेरे ख्याल उसका कोई रिश्तेदार फौत हो गया, इसकी वजह से लेट हो गया, तो खाना लग रहा है, ज्यादा टाइम मैंने नहीं लूँगा। मैं किसी चाहूँगा कि किसी शीफ आदमी को आए स्टेज पर मेरे आलम दीन को थोड़ी दुआ करा दें, कोई है मेरे सामने नज़र नहीं आ रहा कोई, तो मैं तारक नार साहब आपसे कहता हूँ कि आप भी तशरीफ लाएं थोड़ी दुआ करा दें, या मैं असल सर ये साहब से गुजारिश करूंगा, मेरे बड़े लाडले मेरे भाई इतनी अच्छी दुआ कराते हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा लंबी दुआ ना कराइए, क्योंकि खाने में और दुआ में कोई ऐसा चीज ना हो। कभी दिलावर साहब भी मेरे मुंह देख रहे हैं, अफजाल भट्ट साहब भी सिर नीचे करके देख रहे हैं, किसी की शुगर वो है, किसी का कुछ है, तार साहब दूजे बाब जनेर सब बैठे हुए हैं, किस किसका नाम लूँ, नासिर भट्ट साहब का चीज है, मैं बड़ा मशहूर हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर हैं जोत भाई इशाद भाई, सारी जिंदगी के इनके साथ हैं, वो खुशी में शामिल होने के लिए स्पेशली आए। मैं समझता हूँ तो मेरा जो मदर इंस्टीट्यूट है वो कॉपरेटिव है, मुझे अल्लाह ताला के बाद या डिगल पॉलिटिक्स में कॉपरेटिव ने बड़ी शनाख्त दी हुई है, और मैं ये फख्र से कहूँगा यू साहब आप लोगों को भी, तो मैंने कॉपरेटिव को जिंदा भी रखा हुआ है आप लोगों की, जितना मैं एक्टर रोल प्ले करता पूरे पाकिस्तान में को नहीं करता, और आप लोग मेरा साथ देते हो, मेरे अच्छे काम में मेरा साथ देते हो, मेरी तबीयत करते हो, मैंने अपनी नस्ल भी आप लोगों के हवाले कर दी है, तो थैंक यू तमाम कॉपरेटिव डिपार्टमेंट का, मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि पूरी गुजराना डिवीजन यहाँ तशरीफ लाइए हमारी खुशियों के लिए। ये टाउन का आप लोगों के साथ एक रिलेशन है, ये टाउन आप लोगों का टाउन है, ये मिम्बरान की जो हाउसिंग सोसाइटी ये आप लोगों की है, और अल्लाह के फजल से हम सब एक हैं और एक रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं असल सही सर से कहूँगा वो तशरीफ लाए और दुआ जरूर करें। अब खाना लगवा दे मेहरबानी फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم